everyone, welcome back to my channel Sizzling Wizzling. I'm Aditi Kalwara and I'm up with a new video जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ what basically thrifting is and it's also gonna be a haul video. So stay tuned and let's just start the video. I will not jump directly towards the haul part. I will basically tell you about what thrifting is, how it works, what are the pros and cons. So if you are here for the haul part, directly you can jump to this time slot. I will mention somewhere here. And if you want to know the whole concept about thrifting and everything, so just stay with me. सो अगर मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ कि व्हाट थ्रिफ्टिंग इज, विच आई ऑल्सो कम टू नो अ ईयर अगो, सो इट्स बेसिकली यू बाय प्री लव्ड विंटेज और इवन न्यू क्लोथ्स और इट कुड बी एनीथिंग लाइक ज्वेलरी, बैग्स, एसेसरीज, फर्नीचर. सो आई सॉ दिस होल थ्रिफ्टिंग सीन इमर्जिंग इन इंडिया इन 2020 लॉकडाउन एंड नाउ इट्स लाइक 1000 पेजेस ऑनलाइन. If I say online, it's mostly Instagram. Now we will come to the second point कि ये सारी चीज कैसे work करती है. तो सबसे पहले तो आपको एक Instagram पेज चाहिए जो mostly सबके पास होता है. Secondly, you can follow some thrifting page. कुछ को मैं नीचे mention कर दूंगी जिनसे मैं shopping करती हूँ या जो मेरे कुछ favorite pages हैं. You can check them out. So basically जो Insta pages होते हैं या फिर जो stores होते हैं वो क्या करते हैं, अपना drop organize करते हैं. Drop किसी भी चीज का हो सकता है, like they particularly dropping pants, suits, skirts, shirt, vintage shirts are so much in trend nowadays. एंड अ डे बिफोर द ड्रॉप वो अपने स्टोरी पे या फिर रील बनाकर आपको स्नीक पीक देते हैं. सो समटाइम्स दे अलाउ यू प्री बुकिंग एंड समटाइम्स दे डोंट. सो अगर आपको उनमें से कोई चीज़ पसंद आ रही है, यू कैन जस्ट प्री बुक देन एंड देयर एंड बाय दैट प्रोडक्ट. अगर प्री बुक अवेलेबल नहीं है तो इंस्टा पेजेस क्या करते हैं, आपको एक टाइम रिमाइंडर देते हैं इंस्टाग्राम पे एंड आप वहाँ से रिमाइंडर सेट कर सकते हो और जब वो ड्रॉप कर रहे होंगे इंस्टाग्राम विल रिमाइंड यू कि दे आर ड्रॉपिंग देयर पीसेज और जो भी उनकी पॉलिसीज होती हैं. सो वहाँ से आप एक्टिव हो सकते हैं या फिर तुरंत ऑनलाइन आ सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपकी पीस ड्रॉप हुई या नहीं. तो इसके लिए आपको स्ट्रांग इंटरनेट चाहिए और आई एम टेलिंग यू ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होते हैं. अगर जैसे एक शर्ट डाला और वो बहुत लोगों को पसंद आई, ठीक है, और फॉर्चुनेटली वो बहुत लोगों के साइज़ में भी है तो बहुत लोग उस पर आई कर रहे होंगे. एंड आई एम टेलिंग यू जैसे वो पोस्ट होगा ना, यू कैन सी लाइक अगर उनकी पॉलिसी है कि यू हैव टू कमेंट बुक, तो उसके नीचे बुक 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 आने लगेगी एंड आपकी आंखों के सामने आपकी फेवरेट पीस चली जाएगी. सो मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है. सो यू हैव टू बी सुपर एक्टिव अगर आपको वो पीस चाहिए ही चाहिए. ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसने पहले कमेंट किया वो उसका हो गया. इन केस अगर जिसने पहले कमेंट किया और कुछ इशू के वजह से उसने डिनाई कर दिया कि मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो वो नेक्स्ट जो जिसने कमेंट करा होगा बुक या भाई जो भी स्टोर की पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर वो उसको टाइम स्लॉट देते हैं कि हाँ 15 मिनट में फिर आधे घंटे में आप पेमेंट करो तो ये प्रोडक्ट आपको आ जाए. अगर उसने भी नहीं करा तो फिर वो नीचे, फिर वो ऐसे ऐसे करते हुए नीचे जाता है. नाउ वी विल कम टू द पेमेंट सेक्शन. सो बेसिकली पेमेंट सारे ऑनलाइन होते हैं. दे हैव ऑल द UPIs, बैंक ट्रांसफर. एंड COD की बात करें तो COD मैंने बहुत रेयरली या फिर कह लो मैंने नहीं ही देखा है ऑनलाइन स्टोर में, विच इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल क्योंकि इट्स वेरी रिस्की फॉर द स्टोर ओनर्स टू प्रोवाइड COD क्योंकि कभी कभी ऑर्डर्स डिनाई हो जाती है या फिर कभी ऐसा कुछ हो जाता है. सो आई गेस ऑनलाइन पेमेंट मेथड ही होता है बेसिकली. सो शिपिंग चार्जेस जो होती है वो हमेशा आपके लोकेशन पर डिपेंड करती है कि आपका लोकेशन कहाँ है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज करते हैं. इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन 40 to 100 और 120. तो शिपिंग आपको अलग से पे करना पड़ता है. कुछ स्टोर्स जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, जो उनकी MRP होती है वो उसमें शिपिंग चार्जेस को इंक्लूड कर लेते हैं, तो उनकी शिपिंग इंक्लूडेड होती है. तो बेसिकली मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है और नाउ वी विल कम टू द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस पार्ट. सो एडवांटेजेस तो हैं ही और कुछ चीज़ों के डिसएडवांटेजेस आई विल अग्री कि जिसके प्रोज होते हैं उनके कॉन्स भी होते हैं. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एडवांटेजेस. सो द फर्स्ट एडवांटेज इज कि यू कैन लिटरली बाय ब्रांडेड क्लोथिंग एसेसरीज लाइक H&M, ज़ारा और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी जो फॉरेन के ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आप वैसे ब्रांड्स को भी सच स्लैब्स प्राइस पे आप मिल मतलब खरीद सकते हो ना. आई एम टेलिंग यू एंड इफ यू एक्सप्लोर इन दिस मार्केट कितना, आई एम टेलिंग यू, यू कैन ग्रैब योर हैंड ऑन सच लग्जरी आइटम्स और उनके प्राइस आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि यू कैन पेइंग सच प्राइस फॉर सच लग्जरी आइटम. नाउ द सेकेंड थिंग और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट इट्स सस्टेनेबल, इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरमेंट. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इफ आई हैव सम ड्रेस और सम टी शर्ट और एनीथिंग जो अब मेरे यूज में नहीं है या फिर वो मुझे साइज में छोटी हो गई है बट स्टिल इट्स इन अ गुड कंडीशन, तो अगर थ्रिफ्टिंग वॉज नॉट देयर तो मैं उसको डिस्कार्ड कर देती या फिर मैं इधर उधर उसको कहीं पर भी फेंक देती.
But now thrifting is there, so I can give it to someone else or I can sell it at such a slashed price जो दूसरे के लिए सच में काम आ सकता है. I'm telling you, you don't know कि किसको कौन सा फैशन कौन सा ट्रेंड पसंद है एंड दे विल लिटरली लव योर क्लोथ. सो देयर आर स्टोर्स जो आपके लिए आपके क्लोथ सेल करते हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज होते हैं. यू कैन ऑल्सो फाइंड सच स्टोर्स ऑनलाइन. ऑल्सो आप इन्हें बहुत ही आराम से ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो या फिर जो भी ट्रेंडी क्लोथ है उसको आप खरीद सकते हो विदाउट गिविंग अ होल टू योर पॉकेट. आई एम टेलिंग यू देयर आर थ्रिफ्ट स्टोर्स विच आर सेलिंग लाइक Y2K टॉप, बैगी पैंट्स, विंटेज शर्ट, एनीथिंग, यू जस्ट नेम इट एंड दे हैव. सो आई होप जो भी हाईलाइटेड एडवांटेजेस है उनको मैंने कवर कर लिया. नाउ वी विल कम टू द डिसएडवांटेज पार्ट. सो जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है या फिर जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है साइजिंग इशू. तो बेसिकली साइजिंग इशू तब आती है इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट प्रॉपरली. वो मेंशन करते हैं कि दीज आर द स्मॉल ब्रस्ट साइज, वेस्ट साइज, एनीथिंग. अगर मेंशन नहीं है तो यू कैन सिंपली आस्क देम ऑल्सो. सो बेसिकली मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो साइज की ही होती है, क्योंकि मुझे लगता है ये मुझे आ जाएगी क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है. तो आई सिंपली बाय दैट प्रोडक्ट और फिर वो साइजिंग में थोड़ी सी ऑल्टर हो जाती है. तो अगर मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है तो आई सिंपली ऑल्टर, मैं 20-30 रुपये में उसको कहीं से ऑल्टर करा लूँगी. और द सेकेंड थिंग इज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कैंसिलेशन, रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी, विच आई थिंक इट्स राइट, क्योंकि माई सेल्फ ओनिंग अ बिजनेस आई नो कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल. और बेसिकली जो थ्रिफ्टर्स होते हैं दे ऑल्सो नो कि किसी स्मॉल बिजनेस के लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है. तो दे यूजली डोंट आस्क सच काइंड ऑफ कैंसिलेशन और रिटर्न, मेनली तो ऐसा नहीं होता. नाउ आई विल गिव यू सम प्रो टिप्स कि अगर आप थ्रिफ्टिंग करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए. सो तो पहली चीज़ होगी कि इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम अ स्टोर, आप सबसे पहले उनकी स्टोरी हाईलाइट्स चेक करें कि उनकी कस्टमर रिव्यूज़ की स्टोरी हाईलाइट्स है या नहीं. सो ये बेसिकली एक तरीका होता है स्टोर का अपने कस्टमर को दिखाने का कि येस वी आर जेन्युइन एंड यू कैन बाय फ्रॉम अस. सो आपकी सेकेंड स्टेप ये होनी चाहिए कि आप हमेशा स्टोर की पॉलिसी पढ़े, वो भी स्टोरी हाईलाइट्स में आपको जनरली मिल जाती हैं. स्टोरी स्टोर पॉलिसीज में सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आप कैसे कोई चीज़ खरीद सकते हो उस स्टोर में, क्या क्या उनकी पॉलिसी है रिटर्न की, एक्सचेंज की या फिर कैंसिलेशन की, पेमेंट मेथड्स क्या क्या हैं, और मतलब बेसिकली सारी चीज़ें उनकी स्टोर पॉलिसीज में होती हैं. तो बिफोर बाइंग एनीथिंग आप स्टोर पॉलिसीज हमेशा देखें. तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं तो उसकी कैप्शन आप अच्छे से पढ़ें. सो बेसिकली थ्रिफ्टिंग में अगर कोई प्री लव चीज़ है तो इफ़ इट हैज़ एनी डिफेक्ट और एनी काइंड ऑफ थिंग वो अपने कैप्शन में मेंशन करते हैं. उस प्रोडक्ट की सारी साइज़, कलर, डिफेक्ट्स, अगर उन उसमें भी अगर उसमें कोई डिफेक्ट होती है तो वो सारी चीज़ें आपको कैप्शन में मिल जाएगी. इफ़ इट हैज़ एनी स्टेन, कोई थ्रेड पुल आउट है या फिर एनीथिंग, वो सारे कैप्शन में होते हैं. तो आप उनको अच्छे से पढ़कर देन यू विल मूव फॉरवर्ड. अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो और उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई डाउट है तो यू कैन सिंपली आस्क द स्टोर ओनर कि आप मुझे और पिक्स भेज सकते हो क्या, अगर या फिर कोई स्टेन है पर्टिकुलर उसने मेंशन किया एंड यू वांट टू हैव अ लुक, तो आप उसकी भी इमेज मांग सकते हो. एंड आई एम टेलिंग यू द स्टोर ओनर्स आर वेरी स्वीट, दे आर अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम और वो आप जैसा भी उनसे डिमांड करोगे दे विल हेल्प यू एट देयर बेस्ट. सो वी आर डन विद द इन्फॉर्मेटिव थिंग. सो आई होप मैंने सारी पॉइंट्स कवर अप कर लिए होंगे एंड इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगा. एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट ना, आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, आई विल देयर टू हेल्प यू. आई प्रे कि ये इन्फॉर्मेटिव सेक्शन ज़्यादा लंबा ना हुआ हो एंड वी विल नाउ मूव टुवर्ड्स द हॉल सेक्शन एंड आई विल शो यू कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं. एंड दिस गोना बी अ पार्ट वन, क्योंकि मैं एक वीडियो में सारी चीज़ नहीं दिखा सकती क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है. सो लेट्स जस्ट सी दैट दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस ब्लैक फ्लोरल टॉप, यू कैन हैव अ लुक. सो इसके जो स्लीव्स हैं और जो बॉटम की डिटेलिंग है वो थोड़े रफल काइंड ऑफ है और जो सामने है वो नॉट दे रखा हुआ है. सो आप यू कैन जस्ट सिंपली नॉट इट. और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा शीन की वाइब देता है एंड आई रियली मिस शीन. तो ये मेरे शीन के दिन याद दिला रहा है. ऑल्सो इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है और ये पॉलिएस्टर ही है लेकिन पॉलिएस्टर में भी इसका क्वालिटी अच्छा है एंड इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, आई एम टेलिंग यू. और दो ये मेरे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है मुझे तो, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसे ऑल्टर कराऊंगी एंड इट विल फिट मी बेस्ट. ऑल्सो यू कांट इवन इमेजिन इसका प्राइस कितना है. इसका प्राइस मुझे अच्छे से ध्यान में नहीं है क्योंकि ये साइज मैंने बहुत पहले लिए, बट प्राइस विल रेंज फ्रॉम 250 to 300 ओनली फॉर दिस टॉप, आई एम टेलिंग यू. एंड द शिपिंग चार्जेस अलग से होते हैं, तो शिपिंग आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है तो वो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट दिस टॉप इज सो क्यूट. सेकेंड थिंग इज दिस लाइलैक ड्रीमी ड्रेस, इट हैज़ अ स्लिट और ये एक कस्टमाइज ड्रेस है जो मैंने एक बुटीक कम थ्रिफ्ट स्टोर से लिया था. सो देयर आर थ्रिफ्ट स्टोर जो आपके लिए कस्टमाइज ड्रेस और टॉप्स ऐसी चीज़ें बनाते हैं सैटिन के मोस्टली. सो इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. ये मैंने एक दो बार पहन भी रखा है
अभी तक ये वैसे इंटैक्ट है, तो आई लिटरली लव दिस ड्रेस। थर्ड थिंग इज दिस ब्यूटिफुल स्ट्रैपी पाउडर ब्लू टॉप, ये भी मेरा काफ़ी फेवरेट है, एंड अगेन इट हैज़ अ साइजिंग इशू, सो आई एम ट्राइंग टू रीसेलिंग इट ऑन माई स्टोर, और अगर ये नहीं बिका तो आई एम श्योरली गोना कीप इट फॉर माई सेल्फ, आई एम गोना ऑल्टर इट अगेन, एंड इट हैज़ अ लिटरली बीची काइंड ऑफ वाइब, एंड इट्स क्वालिटी मटेरियल एवरी थिंग इज अबव द मार्क। नेक्स्ट थिंग इज दिस प्लीटेड जॉर्जेट स्कर्ट, जो मैंने अपने बर्थडे पे भी पहन रखा था, एंड इसका प्राइस सिर्फ 200 या 250 है, एंड आप उसके प्राइस पे प्लीज मत जाना, इसकी क्वालिटी आई एम टेलिंग यू, ये किसी फॉरेन ब्रांड का है आई गेस, यस मेड इन कोरिया और समथिंग, और ये इतना परफेक्टली फिट होता है ना मेरे को, इट्स लाइक मेड फॉर मी ओनली, एंड आई एम इन लव विद दिस स्कर्ट, क्वालिटी इज सुपर, इस स्कर्ट के नीचे ऐसे इसकी सैटिन की लाइनिंग दे रखी है विच इज़ अ गुड थिंग, उसके ऊपर ये प्लेटेड जॉर्जेट का स्कर्ट, और कहीं से भी कोई भी थ्रेड नहीं आ रहा, कहीं से कोई भी डिफेक्ट या स्टेन कुछ भी नहीं है, सो इट्स बेसिकली अ थम्स अप। नेक्स्ट थिंग ये वो है दिस आर्मी ग्रीन बॉडीकॉन ड्रेस, और ये आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैंने ऑनलाइन सरोजनी मार्केट से लिया है, यस देयर आर ऑनलाइन सरोजनी मार्केट, एंड माय गॉड इस ड्रेस को मैं देखती हूँ ना मुझे बस ऐसे मन करता है मैं कहीं घूमने चली जाऊँ, ये इतना परफेक्ट है, इट्स इन साइज एक्स्ट्रा स्मॉल एंड इट जस्ट फिट्स मी सो परफेक्ट, इसका स्ट्रेची मटेरियल है एंड इट हैज रिब थिंग गोइंग ऑन, एंड इट्स सच अ गुड ड्रेस, ऐसा ड्रेस मैंने H&M ऐसे जारा में देख रखा है, बट गेटिंग इट फॉर 400 और 300 इट्स सच अ डील। द नेक्स्ट थिंग इज अ काइंड ऑफ लाउंज वेयर, बट मैंने इसको स्टाइल करने के लिए लिया है, सो इट इज अ ब्लैक सैटन स्लिप ड्रेस एंड इट हैज़ ऑल्सो अ गुड क्वालिटी सैटन, बेसिकली मैं इसको एक वाइट टी के साथ पेयर अप करने वाली हूँ, एंड इट गोना लुक सुपर्ब, सो जैसा मैंने इमेजिन करा है, एंड आई हैव टू टेल यू अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें ली है ना उनकी क्वालिटी आर सो गुड एंड दे कम इन अ वेरी गुड कंडीशन, सो दैट्स ऑल फॉर द हॉल पार्ट, एंड आई हैव टू टेल यू कि आई एम इन टू स्लो फैशन राइट नाउ, फास्ट फैशन इज नॉट माई थिंग फिलहाल के लिए तो नहीं है, एंड करेंटली आई एम लाइक डूइंग सो मच ऑफ थ्रिफ्टिंग ऑनलाइन एंड आई एम लविंग इट सो मच, इट्स लाइक एडिक्शन एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद माई थ्रिफ्टिंग क्लोथ्स, आई एम श्योरली गोना मेक अ पार्ट टू वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ लाइक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हिट द बेल आइकन, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, बी हैप्पी, स्टे सेफ।